हम इस वक्त गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार में और हमारे साथ कुछ लोग हैं। लगातार सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। जिस तरह से आज सुल्तानपुर में जो सराफा व्यवसायी के लुटेरे थे, जब गोली मारी गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये जाति देखकर गोली मारी जा रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अपराधियों पर कस रहे हैं योगी जी नकेल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव खेल रहे हैं जाति का खेल। क्या लगता है कितना कामयाब होंगे? देखिए, पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसने कानून का राज स्थापित किया है। सड़कों को सड़कों से, नदियों को नदियों से, दिलों को दिलों से जोड़ कर करके विकास का कार्य भी किया है। आज कोई भी अपराधी अपराध कर करके उस अगले चौराहे पर ख़त्म हो जा रहा है। इसी को तो कहते हैं सुशासन। अगर इससे किसी को दिक्कत हो रही है तो वो जाने, उसका काम जाने, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, संवैधानिक रूप से सही काम कर रही है और पूरी जनता का सपोर्ट इसको है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अपराध पर जाति वाला दाव, क्या लगता है चुनाव को पार लगाएगा ये नाव? अखिलेश जी को बहुत भारी पड़ेगा और जन और समाजवादी पार्टी का ही स्थापना अलगाव पे हुआ है। हमेशा जाति मुद्दों को लेकर चलने का काम करते हैं, सनातन को गाली देने का काम करते हैं, समाजवाद को भी गाली देने का काम अगर किसी ने किया है तो अखिलेश जी ने किया है। और गोरखपुर की पहचान सनातन और समाजवाद से रहा है, तो अखिलेश जी को ये सोचना चाहिए कि जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, हो ना हो उनके लिए 2027 बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से सुल्तानपुर के जो सराफा व्यवसायी था, उनके यहाँ जो लूट हुई थी, उसका जो अपराधी जब इनकाउंटर में मारा जाता है तो वो कहते हैं कि जाति देखकर गोली मारी गई है। तो इनकाउंटर पर सवाल, यूपी में इस पर बच रहा है बवाल, क्या कहें? देखिए, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को उनसे विशेष निवेदन है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। किसी के परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाना यह निश्चित रूप से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई अपराधी निकल गया तो पूरा परिवार अपराधी नहीं है, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अपराधियों पर कस रहा है नकेल और अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख हैं, वो जाति का खेल खेल रहे हैं, तो क्या कितना पार लगा पाएंगे? अपराधियों की कोई जात तो होती नहीं है, अपराधी तो हर जात में होते हैं। तो जो अपराध करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जात का हो, उसके ऊपर शासन का डंडा चलेगा। चलिए, देखिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, जिस तरह से अपराधियों इनकाउंटर पे सवाल उठाया जा रहा है, इस पे यूपी में पूरा बवाल मचा है कि इनकाउंटर जो है जाति देखकर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराधी जितने लोग हैं उनका कोई जाति नहीं है, अपराधियों का कोई जाति नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है, ये अपराधियों के लिए तो ऐसे ही शासन की जरूरत है। और ये बढ़िया काम हो रही है, योगी सरकार में अच्छा काम चल रहा है। अपराधी और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से ये इनकाउंटर पर सवाल कर रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाला उपचुनाव में कुछ इससे लाभ मिलेगा? जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल बयान दिया था कि सारे बुलडोजर के रुख जो है गोरखपुर कर दिए जाएंगे 2027 विधानसभा चुनाव के बाद, तो क्या ये कथन कितना सत्य है? सबसे पहले हम आपको बता दें जो है कि अपराधियों की कोई जात नहीं होगी, सभी लोग बताए हैं। ये अखिलेश यादव जी के लिए चिंता का विषय है कि अपने जात के लोग जो गलत हैं, पहले उनको गलत कहें, अन्यथा इसका परिणाम क्या होगा उनको खुद पता है। और दूसरी बात, जो गोरखपुर के लोगों के लिए बोले हैं कि गोरखपुर में बुलडोजर चल रहा है, जो गलत किया उसके यहाँ बुलडोजर चला है, वो जहाँ गलत जहाँ हैं पहले वहाँ चलवाएं, तब उनको सही माना जाएगा कि वो गलत सही हैं। वो अपराधियों की जात होती है। चलिए, आपके पास आएंगे, जात नहीं होती, आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। ये बताएं कि अखिलेश ने कहा कि जाति देखकर जो है हिस्ट्री सीट खोली जा रही है, जाति देखकर जो है इनकाउंटर किया जा रहा है। अखिलेश जी को पता होना चाहिए कि उनके उनके सत्ता में केवल दो ही लोग पनपते थे, या तो उनके बिरादरी का, नहीं तो जो कि जो उनके कोर वोटर हैं। आज सारे लोग योगी जी को इसीलिए पसंद कर, अपराधियों की जात होती है। अगर अपराधियों की जात नहीं होती है तो मदरसे में जो है कि 2 नंबर के नोट नहीं पकड़े जाते। अपराधियों की अगर जात नहीं होती
तो राइफल और बम कारतूस से हमला नहीं किया जाता हिंदुओं के ऊपर। अगर अपराधियों की जात नहीं होती तो आज शायद अखिलेश यादव के पिताजी पार्टी नहीं बना पाते, और उसी अपराधियों के लिए बाबरी मस्जिद का ढांचा उन्होंने विध्वंस कराया था। अपराधियों की जात होती है पहचानने के लिए, यहाँ होती होनी चाहिए, अपराधियों की जात है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जो है हिस्ट्री सीट खोल ली, फिर उसके बाद जात देखी गई, तो जिस तरह से इनकाउंटर पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये जो पार्टियां जातिवाद का उक्का बक्का खेल रही हैं, ये चले वले का नहीं। ये संविधान जातिवाद का जो जहर फैलाया जा रहा है, ये अब जनता समझ गई है। पहले के ज़माने में जब दो लोग बात करते थे तो लोग कहते थे कि सरकार हमें खाए के देगी, हम कहें सरकार की बात करी। आज सरकार लोग खाने को दे रही है, तो जो लोग खा रहे हैं वो कह रहे हैं आप अपने घर से देती है, तो जनता तो कुछ ना कुछ कहती रहेगी। अब विपक्ष वाले कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, जो खा रहा है वो भी गाली दे रहा है, और जो नहीं खा रहा था वो कह रहा था खाने को देगी। यानी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है, और ये सनातन धर्म के लोगों को जो अपमान किया जा रहा है, ये ज़्यादा दिन चले वलेगा नहीं। सत्ता शासन में जो लोग बैठे हैं उनको ये अधिकार है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिस तरह से इनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहें? सवाल क्या उठना है, देखिए, अपराधी है तो मराएगा। उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जो उन्हीं के बिरादरी के लोग, जिस बिरादरी की चुनिंदा बातें कर रहे हैं, अपराधी उन्हीं के बिरादरी के क्यों हैं और क्यों अपराधी नहीं हो रहे हैं? एकदम सही। वो अपराध की, भ्रष्टाचार की, झूठ की, लूट की सरकार थी, इन्हीं चुनिंदा लोगों को लेकर चल रहे थे। अपराधी वही है तो मराएगा कौन? इतने लोग हैं, क्यों नहीं मरा जाते हैं? उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि इसी कहीं बिरादरी के अपराधी क्यों हैं, इस पर चिंता होनी चाहिए। मैं इस्लाम को, मैं मुसलमान को आतंकवादी नहीं कहता, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों हैं, इस पर चिंता होनी चाहिए। इनकाउंटर पे लगातार बवाल मचा है और वो कह रहे हैं कि ये इनकाउंटर भी नकली, एक तरह से नकली इनकाउंटर बताया जा रहा है, तो क्या क्या लगता है कि इसका कितना फायदा उपचुनाव में उठा लेंगे? उपचुनाव में हो ना हो, लेकिन गोरखपुर में, इसी गोरखपुर में 2 बजे दिन को मेरे सामने इसी बाल विवाह पर एक बेटी का चैन छीना गया है। आज किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो जो 2 बजे रात को चैन छीन कर दिखा दे, तो मैं फर्क कितना पड़ा है। रह गई बात चुनाव की, हर जीत अलग की बात है, वो भविष्य का परिणाम है और वर्तमान में हम जीने आए हैं। क्या भैया कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो विकास आएगा? अभी इन्होंने कहा है कि 500 रुपये में सिलेंडर मिलता था, तब लोगों की तनख्वाह क्या होती थी, आज लोगों की तनख्वाह क्या है? और अगर 500 में मिलता था तो सुबह 3 बजे भी लाइन लगाने के बाद निश्चित नहीं था कि मिल ही जाएगा। और आज यह व्यवस्था है कि घर घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, और कहीं रसोई गैस की तो कोई किल्लत, लोग भूल गए कि रसोई, आज के जनरेशन के बच्चों से पूछिए तो जानते नहीं कि कभी किल्लत होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इन्होंने बात किया, मैं बात को मानता हूँ, लेकिन उस समय भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे, उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ छल किए थे। इनको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इनकी जानकारी नहीं है। विकास की बात उन्होंने कहा, 4 लेन, नदियों से जोड़ना, नौका विहार, इतना व्यायाम से गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ, यह फर्टिलाइजर कितने सालों से पड़ा था, कर्मचारी कितने मर गए, अपना रिटायरमेंट नहीं ले पाए थे, इनके सामने उदाहरण है। इन्होंने नौकरी की बात की, जिस सरकार में, इसके पहले सरकार में भर्तियां होती थी, चिट्ठियां जाती थी, लिस्ट चेंज होते थे, जिसको नौकरी, जिसका लिस्ट में नाम आया लिस्ट बदल दिया जाता था। आज उस भर्ती का उदाहरण है कि भर्ती की परीक्षा, पुलिस की भर्ती परीक्षा लीक हुआ और 2 महीने के अंदर योगी जी ने बिना किसी खर्च के अपने भाड़े पर एकदम पारदर्शी परीक्षा करा करके इनको उदाहरण के रूप में पेश कर दिया। इनको सोचना चाहिए। नेहरू परिवार कितने बार, नेहरू जी 10 साल तक अपने, अभी आज का जो मुद्दा है वो जातिवाद का मुद्दा है, क्या जातिवाद पार लगाएगा? अभी आप जवाब तो देने दीजिए। अभी हमारे भाई ने कहा कि बहुत बढ़िया परीक्षा कराए, 4-5 बार लगातार पेपर लीक हुआ, उसके बाद इस बार किसी तरीके से जो है नैया पार लगी, वो भी देखिए ये उदाहरण है। अरे यार, बीच में क्यों आप बोलते हैं? रुक जाए। ये 4 बार पेपर लीक हुआ, उसके बाद ये फिर से पेपर कराए हैं, वो भी गारंटी नहीं है कि परीक्षा जो है सब कुछ हो जाए ठीक ठाक से, और अच्छा तो हो गया, अब तक कुछ आना हो तो रिजल्ट आ जाए और लोग नौकरियां पाए। मेरी तो दिली तमन्ना है कि हमारे भाई रोजगार पाए। अभी इस पर भी इनको भरोसा नहीं है, इतना पारदर्शिता उदाहरण देने के बाद इनके नजर के सामने, इनके घर के अंदर
इतना पारदर्शिता परीक्षा करा करके इनके सामने पेश करने के बाद भी इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, इनके इनके अपने परिवार पर भरोसा नहीं है, इनकी सरकार पर भरोसा नहीं है। अभी मैं इन्होंने कहा ना कि पंडित जवाहरलाल की बात इन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात इन्होंने कहा, उस समय जो हमने उदाहरण दिया है कि पटेल के साथ भी उस समय गद्दारी हुई थी, हुई थी ना। आप डिसाइड करेंगे कि जिस तरह से अगर बात की जाए, एक मिनट देखिए जिस तरह से जातिगत राजनीति हो रही है, जिस तरह से MY समीकरण की बात होती है चुनाव में, तो क्या लगता है कि ये चुनाव में नैया पार लगा पाएगा जिस तरह से उनके बयान आते हैं सपा फैक्टर नहीं, जिसके जिसके साथ राहुल गांधी रहेगा उसका सत्यानाश होना है। और कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी पे खुद विश्वास नहीं, इसलिए 10-10 बार उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आपको तो पांडे जी को हमारे जो है कि अपने ही नेता पर विश्वास नहीं है, हमें अपने नेता पर विश्वास है मोदी जी और योगी जी पर, कि एक बार उन्होंने एक गरीब परिवार से उठ करके जो है कि विश्वास पटल पर हमने नाम रोशन किया, लेकिन एक राजा परिवार का व्यक्ति जो है कि आज कुलियों के साथ जाकर के एक छोटे भर के साथ जाकर भी उनका दर्द समझने की कोशिश कर, तो इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है। तरह से इनकाउंटर पे सवाल उठ रहा है कि जो इनकाउंटर हुआ है वो जाति देखकर हुआ है, क्या कहें? नहीं, इनकाउंटर अपराधियों का कोई जाति नहीं है, ये गलत बात है, और जो भी अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। इनकाउंटर जाति विशेष के लिए तो नहीं होना चाहिए ना, है ऐसा नहीं है। ये सरकार जो है अपराध मुक्त शासन दे रही है। अरे अभी लोकसभा चुनाव में खटाखट कह करके जनता को बेवकूफ़ बना चुके हैं, अब जनता फटाफट सब समझ गई, अब इन लोग के मुंह पे पड़ेगा थप्पड़। ठीक है, ये जो उपचुनाव हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो उपचुनाव में जीतेगा वो मेन चुनाव में हार जाता है। किस तरह से सियासी चर्चाओं का दौर जारी है, और यहाँ पे इसी तरह का दौर जारी है, लगातार लोग सियासी चर्चाएं हो रही है, राजनीति की चर्चाएं हो रही है। सियासी चौक में इस बार हम लखनऊ के उस जगह पे हैं जहाँ पर युवा आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपको चारों तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी के वो छात्र दिख रहे हैं जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज में वो अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। कोई नौकरी पे जाता है तो यहाँ पर कई नेता भी बन जाते हैं और आगे चल कर के सरकार तक में शामिल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डॉक्टर और बाद में प्रोफेसर होते हैं। तो इन सब लोगों के बीच में सियासी चौक का अपना ही एक हम अंदाज देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कि आंकड़ों के साथ भी है और सियासी बात भी है। क्या इनकाउंटर को सियासी नज़र से देखना चाहिए? क्या इनकाउंटर में जात को भी देखना चाहिए? आखिरकार जिस तरीके से सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर के बाद सवाल उठता है, अखिलेश यादव उठाते हैं, कहते हैं ये फर्जी इनकाउंटर है, ये जात को देख करके इनकाउंटर किया गया है। आज हम इन सब से यही पूछेंगे कि आखिर इनकाउंटर को लेकर के क्या इस तरह की बातें उठाना ठीक है, क्या सही लगता है? बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ पे अगर कहीं अगर शरीर दिया गया है, शरीर को छीनने का अधिकार नहीं है। जब हम मृत्युदंड का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है तो आपको किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। उसको विधिक तरीके से, उसको विधिक रूप से उसको सज़ा सुनाई जा सकती थी, सज़ा दी जा सकती थी। रही बात फेक इनकाउंटर की, फेक इनकाउंटर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जब से 2017 के बाद से भाजपा की गवर्नमेंट आई है, आप उठा के डाटा देख लीजिए, NCRB का डाटा, कितने इनकाउंटर सफल हैं, कितने इनकाउंटरों में ये हुआ है कि सही हुए। ऐसे तो बहुत खुलेआम अपराधी, स्वजातीय अपराधी, या कह दीजिए कि ऐसे लोग जिनको इनकाउंटर होना चाहिए था वो समाज में स्वच्छ जिंदगी जी रहे, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, फेक इनकाउंटर है। आपकी पूरी बात सुनी मैंने, क्या किसी भी अपराध को जाति से देखना चाहिए? मेरा तो सवाल ये है, क्या हम ये पूछना चाह रहे हैं अपराध को जात से नहीं देखना चाहिए? लेकिन अपराध को जात से नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसके बाद जात से देखना चाहिए। सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि अपराधी किसी भी जाति का नहीं होता है, अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। और ऐसे पता नहीं कौन से लोग हैं, जैसे हवा है, पानी है, आंधी है, बारिश है, पूछ के थोड़ी ना आती। और अपराधी कोई अपराध करता है तो पूछ के नहीं करता, उनको सजा अगर हमारे अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इससे अच्छा कुछ है, जो अपराधी है, जो अपराध करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए और हर हाल में मिलनी चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर में आपके साथ ही जो बात कह रहे हैं,
हमारे साथ ही अब हम समझ नहीं पाए इनकी बात को कि इनका क्या कहने का मतलब, मैं इतना बस मैं कहूँगा कुछ बता देंगे नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि जाति धर्म के अपराधी की अपनी अलग जाति होती है, अपराधियों की अलग जाति होती है। अगर काउंटर कोई अगर नेता कहे अगर अपराधियों की जाति देखी जाएगी तो उत्तर प्रदेश में कई स्वजातीय अपराधी जात के हैं कि जो अभी बचे हुए स्वजातीय। देखिए अपराधी तो अपराधी तो मैंने बोला और उसके उसके लिए गवर्नमेंट देख रही है, उनके न्याय के लिए उनको उनकी सजा के लिए वो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। इस जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या माने ये चुनावी कहीं ना कहीं फायदे नुकसान का भी खेल होता है? देखिए चुनाव तो हमेशा देश प्रदेश में हुआ करते हैं, और जबकि जब योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि गुंडे अपराधी या तो राम नाम सत्य की यात्रा पर जाएंगे या तो फिर प्रदेश छोड़ जाएंगे। तो जहां गुंडे अपराधी माफिया ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो वहां पर बाबा जी का बुलडोजर और एनकाउंटर लगातार हो रहा है, और जिससे प्रदेश में एक अच्छा बेहतर माहौल बनाया जा सके। और जहां तक हमारे हिसाब से देखा जाए तो एनकाउंटर सही है, क्योंकि अपराधियों को बाबा जी ने विधानसभा में ही कह दिया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधी वो ना किसी जाति का होता, ना धर्म का, ना मजहब का, अपराधी अपराधी होता है, उसकी सजाए मौत होती है। अपराधी अपराधी होता है, ना कोई उसकी कोई और कोई सजा नहीं हो सकती है, जाति धर्म से नहीं देखा जा सकता है। क्या लगता है जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो सवाल उठ के आ रहे हैं, विपक्ष जो कह रहा है ठीक कह रहा है सर? एकदम गलत कह रहा है। सो अभी हमारे भैया ने स्वजातीय की बात की, वो आप वैसे कहते हैं कि कोर्ट तय करेगी, आप स्वजातीय लोगों को खुद से तय कर रहे हैं, तो जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, और लगातार ये बुलडोजर चलते रहना चाहिए अपराधियों के ऊपर। वो जाति और धर्म और स्टेयरिंग देख के, वो जाति देख के नहीं मुड़ता है, वो अपने मन से चलता है, और चलना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। कोई जाति नहीं होती अपराधियों की, कोई अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी सिर्फ और सिर्फ अपराधी है। मैं इस बात पे टिका हूँ, अपराधी सिर्फ। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक विरोधी दल के नेता का सदस्यता चला जाता है, उसी आचार संहिता के सेम मामले में उनकी सदस्यता बरकरार रहती है, आप इसी से समझिए। आचार संहिता में प्रदेश के मुखिया के ऊपर 24 घंटे के लिए ना बोलने की भी वो लग जाती है, मुखिया के ऊपर 24 घंटे नहीं बोले लेंगे। लगता है तो समान रूप से सबके लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी विशेष कि आपके साथ कुछ होता है तो आप उसे ये रूप दे देते हैं कि राजनीति हो रही है? मेरे साथ क्या, आप देखिए ना, एपीएल के सीईओ को मार दिया गया, क्या हमने जातीय रूप लिया? क्या हमने दुबे को मारा गया कानपुर में, क्या हमने उसका पक्ष लिया? जो अपराधी, जो हार्ड कोर अपराधी है, उसके साथ नहीं खड़े? सुल्तानपुर वाला अपराधी नहीं था? हम क्या कह रहे हैं उसे, अपराधी की सजा क्या ऑन द स्पॉट ये सरकारी तंत्र देंगे, ये जो पुलिसिया तंत्र देगी, क्या उसके लिए कोर्ट नहीं है? नहीं, खड़ा करके थोड़ी मार रहा था, बलात्कारियों को फिर बीएचयू के, वो तो भाग रहा था ना, भाग रहा था ना पुलिस के, हम तो कह रहे पुलिस पे भागा तो बीएचयू का भी था, भागा तो 6 महीना बाद ही ना आया है, उसको तो नहीं मारा गया। देखिए सरकार हमेशा से अच्छा काम कर रही है, जैसा योगी जी ने कहा कि हमारे सरकार की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है कि हमेशा हम लोग अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएं, और यही सेम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एजेंडा है कि न केवल अपराध को बल्कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो एक एग्जांपल भविष्य में सेट हो कि आने वाले लोग जो उस तरीके से बढ़ रहे हैं वो वैसे कोशिश ना करें, उसको देख के भी कहीं जैसे कहते हैं डिटरेंट होना चाहिए, तो होना चाहिए वो उसी तरह एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं जिस तरह से लोग मैच का क्रिकेट खेलते हैं, लोग क्रिकेट खेलते हुए पाए जाते हैं अपराध में, उसके बाद भी उनके पर कार्रवाई नहीं होती, उसी तरह क्रिकेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।